दोस्तों 2 साल हो गए हम लोग वेट कर रहे थे एलिमेंट थ्री का, कब नया अपडेट आएगा, कब एलिमेंट थ्री वर्जन 3 आएगा। हालांकि वर्जन 3 आया तो नहीं है, लेकिन थैंक्स टू एंड्रू क्रेमर एंड वीडियो को पायलट टीम की, उन लोगों ने नया आफ्टर इफेक्ट्स 2022 के ऊपर लाग दिया है एक अमेजिंग अपडेट। सो गाइस, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट व्हाट आर द न्यू अपडेट्स फ्रॉम एलिमेंट थ्री डी वर्जन 2.2.3 एंड दिस वीडियो इज कम्प्लीटली स्पॉन्सर्ड बाय videocopilot.net। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, we are right now in videocopilot.net की वेबसाइट पे हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि रिसेंटली videocopilot ने एक रिलीज किया है आफ्टर इफेक्ट्स 2022 वर्जन, जो नया वर्जन रिलीज हुआ है उसके ऊपर एक एलिमेंट 3D का अपडेटेड वर्जन, जिसका नाम दिया है उन लोगों ने 2.2.3। एंड अगेन इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कंप्लीटली एलिमेंट 3D। आप लोग मेरे फेस में वो ब्लश देख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर VFX वर्ल्ड टीम ऑल्सो, कि हम लोगों को इसका लाइसेंस भी मिला। और यस, बाकी सब आप लोग इंस्टाग्राम में देखते होंगे हमको। ओके, सो बेसिकली इस अपडेट में क्या क्या है, एक वर्क थ्रू करेंगे, इसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें थोड़ा बहुत काम भी करेंगे आज। तो जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हैं, यह इसका प्लगइन्स का वेबसाइट का पहला लुक, और यहाँ पे लिख दिया है कि मल्टी फ्रेम रेंडरिंग प्लस 4K UI स्केलिंग। सो बेसिकली व्हाट इज मल्टी फ्रेम रेंडरिंग, हम आते हैं उसके ऊपर, और UI स्केलिंग भी क्या है उस पर भी हम लोग आएंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स लिस्ट फर्स्ट। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि आफ्टर इफेक्ट्स 2022 इज रेडी, मतलब नया आफ्टर इफेक्ट्स, नया प्रोसेस, तो उसी के ऊपर बेस करके ऑब्वियसली उसका जो भी प्लगइन्स होगा उसको भी अपडेटेड करके दिखाना पड़ेगा, ताकि जो रेंडरिंग प्रोसेस है, रेंडरिंग स्पीड्स है, वो भी फास्ट हो जाए। ओके, तो द सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट UI स्केलिंग फॉर एलिमेंट 3D एंड ऑप्टिकल फ्लेयर्स। अब एलिमेंट 3D के साथ आता है ऑप्टिकल फ्लेयर्स, हम सबका फेवरेट है। सो यहाँ पे जो UI का जो स्केलिंग है, अगर आपको 4K मॉनिटर पे आप काम कर रहे हो, 4K काम कर रहे हो, तो जो स्केलिंग है UI इंटरफेस का, तो आप इजीली उसको चेंज कर सकते हो, वो फिट हो जाएगा आपके 4K मॉनिटर के साथ। दैट्स जस्ट अमेजिंग, क्योंकि हम लोग जब काम करते थे वो फिट नहीं होता था, हमको फिट करना पड़ता था मैनुअली, और उसी के साथ ऑप्टिकल फ्लेयर्स भी उन लोगों ने अपडेट किया है। नाउ टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द क्रिस्प क्लियर थिंग, दैट इज कॉल्ड MRF परफॉर्मेंस बेनिफिट्स, मतलब मल्टी फ्रेम रेंडरिंग बेनिफिट्स। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि प्लगइन्स जो है वो जो CPU में अवेलेबल थे पहले से, वो अभी और अच्छी तरीके से काम करेगा, ज़्यादा फास्ट रेंडरिंग करेगा, और जो बाकी का प्रोसेस है वो भी बहुत जल्दी होगा। और एलिमेंट 3D जो है वो अब सपोर्ट करेगा ये मल्टी फ्रेम प्रोसेस को, मतलब कंप्लीट जो मल्टी फ्रेम जो मेथड है इसको एलिमेंट 3D जो है वो अभी सपोर्ट करेगा। सो अभी आते हैं जो लाइसेंस होल्डर्स है उन लोगों के एलिमेंट 3D तो ऑब्वियसली अवेलेबल है, उसी के साथ ऑप्टिकल फ्लेयर्स और हीट डिस्टॉर्शन, ये तीनों प्लगइन्स को फिलहाल अपडेटेड एलिमेंट 3D के हिसाब से दे दिया गया है। और इसी के साथ कुछ फ्री प्लगइन्स है जो आप भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हो, दैट इज ORB ऑर्ब, जो अर्थ वाला जो है आप लोग देख सकते हो, छोटा सा वीडियो मैं भी प्ले कर रहा हूं, तो वो उसका अपडेटेड वर्जन है। सेवर का है जो कि बहुत ही अमेजिंग है, मुझे सेवर बहुत पसंद है। और कलर वाइब्रेंस एंड देन VC रिफ्लेक्ट, ये सब फ्री है, तो यू कैन गो एंड जस्ट इंस्टॉल एंड प्ले अराउंड इट। ओके, सो अभी हम इस पे ज्यादा डिस्कशन और नहीं करेंगे, चलते सीधा एलिमेंट 3D पे, इसको हम इंस्टॉल करेंगे और काम करेंगे इसके ऊपर। सो लेट्स जंप इनटू आफ्टर इफेक्ट्स एंड एलिमेंट 3D वर्जन 2.2.3। मतलब बोलने में ही मजा आ रहा है नहीं। सो बेसिकली हम आज कोशिश करेंगे बनाने के लिए कुछ एक ऐसा सीन जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, और आप लोगों के लिए मैं इसको फिर से एक बार रीइंस्टॉल करूंगा, हालांकि प्रोडक्ट की मैं नहीं दिखा सकता। तो ये कुछ सीन है जो हम करने वाला है, थोड़ा बहुत रिक्रिएट आप लोगों के लिए। और ओके, चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेटअप पे। सो बेसिकली जब भी आप इसको इंस्टॉल करने के जाओगे तो ऐसे अभी दिखेगा, अपडेट हुआ है, तो लुक वाइज भी अपडेट हुआ है। ये फोटो मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद आया, ये मतलब क्या करते हैं एलिमेंट 3D से, कितना अमेजिंग आउटपुट आ सकता है कभी हम मतलब सोचते हैं, तो यू नो। सो अभी अब हम करेंगे यहां से एग्री, और आपका जो भी वर्जन है ऑटोमेटिकली 2022 सपोर्ट करेगा, इसको इंस्टॉल क्लिक करने का सीधा इंस्टॉल हो जाएगा आपके आफ्टर इफेक्ट्स पे। तो अभी हम चलेंगे सीधा आफ्टर इफेक्ट्स पे और वहां पे जाके सीधे चलते हैं सीन सेटअप पे। ओके, सो मैंने एक सीन ऑलरेडी बना के रखा था, जैसे कि आप लोगों को मैं थोड़ी देर पहले ही दिखाया। सो दिस इज माय सीन, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है ये सीन, और आगे इस सीन पे हम काम करने वाले हैं। तो अभी एक सेव कर देते और चलते एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते यहां से। तो मैं यहां पे एक न्यू टू लेता हूं, क्रिएट करता हूं, एक राइट क्लिक और एक न्यू एंड देन सॉलिड और प्रेस कर देते ओके। इफेक्ट्स कंट्रोल्स में जाते हैं और राइट क्लिक वीडियो को पायलट एंड देन एलिमेंट, सो ऑब्वियसली एलिमेंट 3D रिलीज हो जाएगा। यहां पे सीन सेटअप ओपन करेंगे, तो सीन सेटअप ओपन करने के बाद आपके पास ये ब्लैंक सीन आएगा। यहां पे क्लियरली मेंशन किया गया है दैट इज एलिमेंट 3D 2.2.3। अब हमको बनाना है एक सिंपल सा एक सीन। सो बेसिकली
अपडेट में दिया गया है कि सपोर्ट मतलब आफ्टर इफेक्ट्स 2022 के ऊपर ही सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे। सो और ज़्यादा कुछ अपडेट यहाँ पे फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये जो वर्जन है अभी इसके ऊपर अभी भी काम चल रहा है, ताकि वर्जन 3 जो रिलीज़ होगा वो आफ्टर इफेक्ट्स 2022 के ऊपर बेस करके ही रिलीज़ किया जाएगा। तो ये वर्जन रिलीज़ करना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इन लोगों ने थोड़ा जल्दबाजी में इस वर्जन को रिलीज़ किया पहले। तो आई होप सुन कि जल्दी से वर्जन 3 जो है वो रिलीज़ हो जाए। तो चलते स्टार्टर पैक 3, मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ कुछ एक ऐसे टनल को, जैसे कि आप देख सकते हो। तो दिस इज माय टनल, ये कुछ ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम करने वाले हैं ये जो बीबी यूनिट है, ये दो ऑप्शन में है, एक है रिग्ड और एक है नॉन रिग्ड। तो हम ये रिग्ड वाले को यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइज में होगा बड़ा, तो हम इसको पहले तो कर देते छोटा कुछ जस्ट लाइक दिस, और सिंपल इसको नीचे ऐसे पुट डाउन, दैट्स इट। अभी हम करने वाले इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस, बट उसके पहले जो चीज़ को ये देखने वाला है उसका भी एक बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं बेसिकली लिया था इसको, सो कॉरिडोर को पहले करते हैं सिलेक्ट, और यहाँ से ये R2 यूनिट को भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ से सिंपल इसको स्केल डाउन, ये कुछ ज़्यादा हो गया स्केल डाउन। यहाँ से आप चाहते हो तो इसको मैं 15 ऐसे कर देता हूँ, और देन सिंपल इसका जो पोजीशन है इसको ऐसे मूव कर देता हूँ, ये 5 कर देता हूँ इसका जो भी है। सो ये लाइक दिस, वेरी गुड। ओके, हम इसको करते हैं थोड़ा रोटेशन, ताकि ये जो इसका जो पोजीशन है वो कुछ ऐसा दिखे, ताकि ये जो चीज़ है इसको देखेगा हमारा लुक वाइज कुछ ऐसा बनने वाला है। और बीबी यूनिट इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और बॉडी को हम लोग रोटेट नहीं करने वाले, हम सिर्फ हेड को जो है रोटेट करने वाले। तो हेड में जाएंगे और यहाँ पे आएगा ओरिएंटेशन, सो ऐसे हम ओरिएंटेशन के थ्रू इसको रिग भी कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी रोटेट करके कुछ लेट्स सी इसका जो रोटेशन है। और दोस्तों मेरा सीन जो है रेडी हो चुका है, मैंने एक हेड एंगल दे दिया है ताकि देख कर लग रहा है कि इसी को देख रहा है। आप चाहो तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ डाल सकते हो। अब बेसिकली एलिमेंट 3D में आप काम करने के पहले मेक श्योर आपका जो AI मोड है, यहाँ से AO मोड को ऑन कर दो, तो आपको दिखेगा लाइव एनवायरमेंट मतलब एम्बिएंट ऑक्लूशन अगर ऑन करते हो तो कैसा दिखेगा। सो मेक श्योर इसको ऑन ज़रूर रखना, मतलब ये पर्सनल ओपिनियन है, आप नहीं भी कर सकते हो। अब आते हैं थोड़ा टेक्सचरिंग पे, कंट्रोल प्रेस करके अगर आप टेक्सचर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जाके आप टेक्सचर का कलर्स को भी चेंज कर सकते हो। फिलहाल मैं ऐसे रख रहा हूँ, आप चाहो तो इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो। रही बात रिफ्लेक्शन का, तो हम रिफ्लेक्शन को बाद में भी चेंज कर सकते हैं पोस्ट में, जो यहाँ पे करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। आपका जो दिखेगा अलग, पर जब रेंडर होगा तो अलग दिखेगा। सो इसको ऐसे ही हम लोग छोड़ देते हैं, इस पर ज़्यादा और चेंजेस नहीं करते, हमको ज़रूरत एग्जैक्टली नहीं है। तो हम यहाँ पर करने वाले प्रेस ओके, तो ये आ जाएगा कुछ यहाँ पर। अब आते हैं कुछ आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन 2022 का कुछ नया अमेजिंग अपडेट्स के ऊपर। तो पहले आता है ये रेंडर टाइम ऑप्शन, ये आपको दिखेगा यहाँ पे रेंडर टाइम का जो पैनल है, यहाँ पे राइट क्लिक, यहाँ पे मिलेगा आपको कॉलम्स, और यहाँ पे अंदर आपको मिलेगा ड्यूरेशन एंड रेंडर टाइम। अगर ये ऑफ रहेगा तो नहीं दिखेगा डेफिनेटली। तो बेसिकली रेंडर टाइम ये होता है कि हर एक लेयर में जो भी आप इफेक्ट डालोगे वो इफेक्ट कितना टाइम लेता है रेंडर करने के लिए वो आपको शो करेगा। तो इस पे आपको भी पता चल जाएगा कि मैं जो चीज़ बना रहा हूँ वो रेंडर होने में कितना टाइम कंज्यूम करेगा। तो इट्स बेटर कि आप उस हिसाब से इफेक्ट डालो, अगर आपका CPU या GPU सपोर्ट करता है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। सो ये बहुत अमेजिंग अपडेट है। और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो कैमरा का सेटअप है, वो पहले जैसा नहीं रहा कि हम कैमरे पे मतलब माउस से ही उसको कंट्रोल कर सकते थे। सो अभी ये चेंज हो चुका है, यहाँ पे ऑर्बिट कैमरा अलग से दिया गया है, मूव टूल और डॉली जो है मतलब जूम इन जूम आउट वो तीनों अलग कर दिया है। हालांकि आप सी प्रेस करके उसको टॉगल कर सकते हो, आई विल शो यू दैट। सो राइट क्लिक न्यू एंड देन क्रिएट अ कैमरा, और इसको हम रख देते हैं डेप्थ ऑफ फील्ड को फिलहाल ऑफ रखते हैं, 80mm रखते हैं यहाँ पे, और ओके कर देते हैं। सो सी प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा सीधा ऑर्बिट कैमरे पे, मतलब अब इसको घुमा फिर आप आओगे। तो हम सिंपल इसको ऐसे घुमाएंगे और फिर से एक बार सी प्रेस करेंगे, सो दिस इज द मूव टूल, और फिर एक और बार करेंगे सी, तो ये चला जाएगा ऐसे सीन के अंदर कुछ इस तरीके से। अब हमको जाना इसके बीच में कुछ ऐसा, अभी फिर से एक बार सी प्रेस करो, सी प्रेस। अब मेरे हिसाब से ये बार बार इसका जो टॉगल है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट आपको पहले पहले लग सकता है, लेकिन जब आप इस पर यूज टू हो जाओगे, ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा अपडेट है, मेरे को ट्रस्ट में बहुत पसंद आया। सो इसको अभी हम एक कैमरा मोशन के हिसाब से इसको एक एडजस्ट करेंगे, और इसका जो पोजीशन है कुछ ऐसा फिक्स कर देंगे, सिंपल है, बहुत ईजी है। और रही बात कैमरा डेप्थ ऑफ फील्ड का, सो लेट्स टर्न ऑन द डेप्थ ऑफ फील्ड फ्रॉम हियर। सो डेप्थ ऑफ फील्ड जैसे हम ऑन करेंगे, सीन देखो मतलब ऑटोमेटिकली एक मस्त डेप्थ ले लेते हैं, और यहाँ पे इसका डेप्थ जो है मैं 800 कर देता हूँ, और इसको लेट सी इंक्रीज और डिक्रीज करके। मैं इसको एक्चुअली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए कि ये जो कैरेक्टर्स है ये एग्जैक्टली इज इन फोकस, और जो बैकग्राउंड इट्स विल कम्प्लीटली इन डी फोकस। सो ये मैंने कुछ ऐसा रफली एक डेप्थ ऑफ फील्ड डाला, आप लोग चाहो तो इस पर और काम कर सकते हो, डेफिनेटली ऑब्वियसली आप करोगे। सो आते सेटिंग्स पे, पहली बात रेंडर आउटपुट सेटिंग्स में जाके हम यहाँ पे एम्बिएंट ऑक्लूशन को ऑन कर देते हैं, और मैं यहाँ पे बेसिकली प्रेफर करता हूँ रे ट्रेस को, क्योंकि इसका जो आउटपुट है सी सडनली इज गेटिंग चेंज्ड। ओके, और एक ट्रिक दिखाऊंगा आपको जो इस पे जो रियलिज्म है उसको और बढ़ाता है। सो पहले तो फिजिकल एनवायरनमेंट आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, लाइटिंग इफ यू विश यू कैन यूज दिस सिंगल लाइट,
अच्छा है, चल जाएगा, बट उतना भी बेटर नहीं है, ठीक है। और इसके बाद और कुछ करने की फिलहाल जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रिक पार्ट। अगर आप में इसको थोड़ा और रिफ्लेक्शन बनाना है तो सिंपल इसको पहले डुप्लीकेट करो, एक डुप्लीकेट ऐसे हो गया। आउटपुट में जाके कंपोजिट से सिंपल यहां पे आप ले लो इलिमिनेशन। जैसे इलिमिनेशन लोगे ये आपको इलिमिनेट पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब हम यहां से लेंगे ग्लो और एक डाल देंगे ऐसे ग्लो को, और यहाँ से आपको जो है इसको कर देंगे ऐड या फिर वॉट एवर लाइक स्क्रीन, और इसका सोलो मोड जो है ऑफ कर देंगे। तो फिलहाल एक ग्लो आ गया यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे आउटपुट मोड पे। यहाँ पे आपको दिखेगा स्पेक्युलर रिफ्लेक्टिविटी, तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिविटी को कर दो 3। तो जो रिफ्लेक्टिविटी है सी सडनली चेंज हो गया यहाँ पे। और इसके बाद जो है सीसी करना पड़ेगा, तो सीसी का एक शॉर्टकट प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। कर्व्स एडिटर से आप एक सिनेमैटिक सीसी कर सकते हो। यू कैन मतलब यूज दिस कंप्लीटली अप टू यू। सो सिंपल राइट क्लिक, न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और इसको टॉप में रखना है। राइट क्लिक, कलर करेक्शंस, एक कर्व्स लेते हैं। ये एक बेसिक सा ट्रिक है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ टू गेट अ प्रॉपर सिनेमैटिक आउटपुट। सो एक सिंपल इसको एक से कॉन्ट्रास्ट को डार्क करो, सो दैट सिनेमैटिक दिखेगा, कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। और यहाँ पे जाके जो ब्लू है, ब्लू को इस कोने से ऐसे ऊपर उठाओ हल्का सा, और फिर यहाँ से थोड़ा सा नीचे डाउन खींच दो। सी सडनली इसका जो लुक है वो बूम चेंज हो गया यहाँ पे। अब रही बात इस पे मोर डिटेल्स में, तो मैं चलता हूँ मेरे एग्जैक्ट कॉम पे। सो आप देख सकते हो और क्रिस्प एंड क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मैं एग्जैक्ट मॉडल में जाके इसका जो डेप्थ है उसको चेंज किया, इसका जो रिफ्लेक्टिविटी है उसको चेंज किया, इनफैक्ट जो एनवायरमेंट है मैंने उसको भी चेंज किया यहाँ पे। अब एक चीज़ बार बार दिखाना मतलब ना मतलब अजीब है। एक मुझे वर्जन 2.2.3 में कुछ चीज़ें आपको बना के दिखाना था, फास्ट रेंडरिंग प्रोसेस आपको दिखाना था, और यहाँ पे जो मल्टी फ्रेम रेंडरिंग का प्रोसेस है वो भी एनेबल हो चुका है। सो बेसिकली आप जैसे कंट्रोल और यहाँ पे फाइल में जाके आप एक्सपोर्ट और जैसे आप रेंडर क्यू को क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे रेंडर ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप यहाँ पे रेंडर क्लिक करोगे तो मल्टी फ्रेम बेसिकली एक ग्रीन बफर लेता है पहले, तो आपको दिखेगा कि आपका फ्रेम जो है वो कितना रेंडर होने वाला है, कितना रेंडर बाकी है, कितना टाइम इलैप्स मतलब रिमेनिंग टाइम और एस्टिमेटेड टाइम सब एक साथ यहाँ पे शो करेगा। और अगर एरर भी आता है तो एरर डेटा को डिटेल में शो करेगा। सो ऐसे बहुत सारे अपडेट्स है जो आफ्टर इफेक्ट्स 2022 के ऊपर बेस करके बनाया गया है, और एलिमेंट 3D को उस हिसाब से इंप्लीमेंट किया गया है। सो होपफुली जो नया अपडेट आएगा एलिमेंट 3D वर्जन 3 का वो और भी ज्यादा बेटर होगा, और हम तो है ही भाई इसको प्रमोट करने के लिए एलिमेंट 3D। सो गाइस आज के लिए वीडियो था कंप्लीटली इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करो VFX World चैनल का, एंड ऑल्सो चेक आउट videocopilot.net। होपफुली बहुत जल्द एलिमेंट 3D वर्जन 3 रिलीज हो जाएगा और आपको जो अपडेट है वो मैं लेके आऊंगा मेरे ट्यूटोरियल्स चैनल पे। सो यस गाइस, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोगों ने हमको सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा। सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए घर पे रहो, सेफ रहो और देखते रहो VFX World। साइनिंग ऑफ।